आप मेरा साथ दो, नहीं दो ये आपकी इच्छा, नहीं मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। मैं बाहर था, फिर मैंने दिलेश सोनी को भी भेजा, मैं बोला FIR दाखिल होने और मैं नहीं तो आऊँगा, तो पुलिस वाले ने रिक्वेस्ट की कि मित्र साहब आप मत आइए, मैं FIR भी दाखिल करता हूँ और ये करोड़ों का मामला है इसलिए ये मेरे जुडिक्शन में नहीं आता, मैं EOW को ट्रांसफ़र करता हूँ। कल मेरी दोपहर के 4-5 बजे के आसपास की मेरी बरवे साहब से बात है, मैं कल SP साहब से बात करूँगा। आप लोग तब तक क्या करिए ना, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, क्योंकि डेटा तो अपने को लगेगा ही, लास्ट में क्या है क्या नहीं इन डेट में, तो चाहिए तो एक ऐसा करके जिसका इसका है उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म दीजिए, ये भरो कितना पैसा क्या, एक रिकॉर्ड तो होना चाहिए। मैं आपको गोल गोल नहीं जाऊँगा, कल परसों इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, मैं और इलेक्शन में बिजी हो जाऊँगा। आचार संहिता लगने के बाद ऑफिशियली मुझे आपके साथ पुलिस स्टेशन और कुछ काम पुलिस मेरे साथ नहीं आ सकती, कोई भी चीज़ वो आचार संहिता के दायरे में आ जाती है फिर, बिल्कुल तो ये उतना फास्ट काम नहीं होगा जितना फिर मैं सोचूंगा, लेकिन आचार संहिता मात्र 30 दिन की है और 101% BJP की सरकारी वापस आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 30 दिन में ये लोग नहीं अगर कर पाए तो फिर मैं सरकार को बोल के ऊपर की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से ये केस CID को हैंडल करने पड़ता हूँ और इसकी इंक्वायरी लगाना। थैंक यू। इतना बड़ा काम है तो स्वाभाविक है कल का कल बंदा आएगा सबको पैसा देगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसके अंदर मैंने कल आप पूछिए, मैंने बोला जितनी उसकी प्रॉपर्टी है लिस्ट बनाओ, वो पहले सीज करो, वो ताबे में लो, फिर हम उसको लिलाव करके ऑक्शन करके कैसे करना है बात की बात है। नेक्स्ट, तो आप लोग 1-2 दिन के अंदर रिजर्व से मिलिए, एक हॉल में सब जगह बोलिए, अपना जो जो डिटेल है लेके आए, फॉर्म भर के एक पहले फाइल बनाए हमको मालूम हो, और फिर मैं कल तक SP साहब से बात कर लेता हूँ कि क्या प्रोग्रेस है केस में, वो दोनों लोग कैसे ट्रेस किए जा सकते हैं, इनको अभी तक सॉफ्ट कॉर्नर लिया गया था, इनको कैसे पुलिस की भाषा में कैसे समझा के उससे सब कैसे उगलवाए, उनका डेटा ट्रेस VCA वो सब मैं करने बोलता हूँ, और नक्की नहीं होगा तो मैं केस आके ट्रांसफ़र करने बोलूँगा CID वगैरह, भाई ये ट्रांसफ़र करो अगर तुम्हारे से नहीं हो रहा तो, और इसको दोनों को ढूंढ निकालेंगे जहाँ भी गए इस दुनिया के किसी भी कोने में, आप विश्वास रखिए। और 30 दिन के अंदर नहीं हुआ तो फिर मैं आपके साथ रास्ते पे हूँ, आप मेरा साथ दो, नहीं दो ये आपकी इच्छा, नहीं मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका साथ दूंगा। स्पेशली मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मैं देख रहा हूँ कि आप जो है इस हाल में भी, आज 12 बज रहा है रात और पूना से आए हुए हैं, आप आमदार जी से मिले, मिलने के बाद आपको क्या लगा और आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? सर मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया है मेरी बेटी की शादी के लिए, और मैं आज अबरार जी मुझे फ़ोन कर करके इन्वेस्ट करने के लिए बोले, आमिन जी मुझे फ़ोन करके, मैं उनके ऑफिस में भी मिलकर आई हूँ, लेकिन आज मैं पूरी बर्बाद हो गई हूँ। आप अभी आई आमदार जी से मिली, अब आपको कैसा, आपको कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ उम्मीद जग रही है? अभी मैं हैप्पीली रिटर्न पुना जा सकती हूँ, मुझे सर पे पूरी होप से, पूरी उम्मीद है कि सर हमें हेल्प करेंगे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए आप आए यहाँ पे आमदार जी से मिले, 12 बज रहा है रात, उसके बावजूद इन्होंने वक्त दिया आप लोगों से मिले, मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है, आपको कुछ उम्मीद जगी है क्या? बिल्कुल एकदम से, हम लोग को फुल विश्वास है कि आमदार साहब हमारा काम करेंगे और वी आर हैप्पी, और हम लोग यहाँ से सब सेटिस्फाई होके जा रहे हैं और एक एक विश्वास के साथ जा रहे हैं कि हमारा पैसा हमको रिटर्न मिल जाएगा, पूरी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। भी आप आए करीबन 12 बज रहा है रात के, आमदार जी से आप मिले, उनका बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मैंने खुद देखा कि वो अभी आए हैं और आप लोग भी वेट कर रहे थे काफ़ी देर से, वो मिले, मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। क्या आपको कुछ उम्मीद जगी है? हमको बहुत उम्मीद जगी है। क्या बोलना चाहेंगे? हमको उम्मीद लग रहा है अभी यहाँ सुनने के बाद से, ऐसा लग रहा है कि काम इंशाल्लाह अपना होगा। है हम खड़े हैं आमदार जी के घर पे,
और वो आज जो गोल्ड एक्सप्रेस करके एक कंपनी है, उस कंपनी में हजारों लोगों का पैसा लूटा गया है हाई इंटरेस्ट के नाम पे, जिसमें से करीबन 100 लोग आज आमदार जी के घर पे, आमदार नरेंद्र मेहता जी के घर पे आए हैं। उसमें कुछ लोग जो है मीरा भाईंदर के नहीं है, मीरा भाईंदर के बाहर के भी हैं, वो लोग आए और उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया, आमदार ने उनकी समस्याओं को सुना और मीरा भाईंदर के आमदार नरेंद्र मेहता ने सबको भरोसा दिया, यकीन दिलाया कि वो उनके साथ खड़े रहेंगे। अगर यहाँ से अगर उनका कुछ काम नहीं हुआ, अगर उनको सीएम सर से भी बात करना पड़ा तो वो करेंगे और आप सबको, इन सबको जो है वो न्याय दिलाएंगे। वक्त लगेगा लेकिन न्याय ज़रूर दिलाएंगे, ऐसा कहना है आमदार जी का। 12 बज रहे हैं रात इस वक्त और ये अभी मिले, यहाँ पे मिले हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि एक आमदार ऐसा है जो रात के 12 बजे भी लोगों की समस्याओं को सुनता है, खड़ा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 12 बजे तक सुबह 7 बजे भी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।